जिंदाबाद, मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, वही बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। व्यापारी हित की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा। वस्तुओं पर पड़ी हुई जीएसटी पदार्थों पर पड़ी हुई जीएसटी वापस लो, वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, यंत्रों पर पड़ी हुई जीएसटी वापस लो, वापस लो। यंत्रों पर पड़ी हुई जीएसटी वापस लो, वापस लो। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और छाया में आओ। सर ये माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है, एक प्रधानमंत्री जी वाला भी लगे अपन इसको थोड़ा सा ये प्रधानमंत्री जी का है, एक माननीय वित्त मंत्री जी का है। इसमें क्या है कि अभी खाद्य पदार्थ की वस्तुओं पर जो 74वां संशोधन हुआ जीएसटी का, उसमें खाने पीने की वस्तुओं को भी जीएसटी में शामिल कर लिया गया, जबकि सरकार का ऐसा पहला कमिटमेंट था कि हम खाने वाली अब इस पर जीएसटी ऐसे कृषि यंत्रों पर भी जिन पर सब्सिडी देनी चाहिए थी उनको भी शामिल कर लिया है। इनके विरोध में हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं आपको, ये हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी। ज्ञापन सर सम्मान जिस तरीके से जी अभी 15 मिनट बहुत जी जी, किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या मुख्य मांगे हैं आप लोग की? देखिए आज हमारे केंद्र सरकार ने अभी जो 47वां बैठक की जीएसटी की, उसमें बहुत सारी हमारी खाद्य वस्तुएं थी जिन पर टैक्स नहीं था, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी समिति बनाई इसकी, उन लोगों ने खाद्य वस्तुओं को भी जीएसटी में शामिल कर लिया और कृषि यंत्रों को भी शामिल कर लिया, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है, बल्कि पूरे देश की मैं बात करूं तो पूरे देश में ज्ञापन और धरना प्रदर्शन की तैयारी है और मंडियां भी हमारी कल से बंद हो रही हैं। इसका विरोध हम लोग जारी निरंतर करते रहेंगे, जैसे प्रदेश सरकार का हमको दिशा निर्देश मिलता रहेगा हम लोग उसी के आधार पर प्रदेश के नेतृत्व पर इसका आंदोलन करते रहेंगे। कब तक की आंदोलन करेंगे, किस तरह का? इसका अभी कोई समय सीमा नहीं है, ये अनिश्चित काल है। जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी के द्वारा हम लोगों को मिलता रहेगा, उसका हम लोग अपने जिला स्तर पर आंदोलन करते रहेंगे। ठीक, क्या नाम है? विमलेश कुमार दीक्षित, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल हरदोई।